आज हम बात करने वाले हैं कि एक रिलेशनशिप में या कहें एक अच्छी रिलेशनशिप में कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है, नेसेसरी है। तो यहाँ पर मैं आपको टोटल 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि आपको एक रिलेशनशिप में रखना चाहिए। या अगर आप इसका दूसरा मायना निकाले तो ये भी हो सकता है कि अगर आप ये 5 चीजें लेकर आओगे तो किसी भी लड़की को पसंद आ जाओगे और हो सकता है कि वो आपको अपना बॉयफ्रेंड बना ले। तो यहाँ पर पहली चीज है ट्रस्ट। देखो, ट्रस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं कहूँ कि ये आधार है, किसी भी एक रिलेशनशिप का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो कहना गलत नहीं होगा। अगर आप उससे प्यार करते हो तो आपको उस पे ट्रस्ट होना चाहिए, और सेम अगर वो आपसे प्यार करती है तो उसको आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि उससे बात क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, उसकी प्रोफाइल पिक को लाइक क्यों किया, कुछ तो चक्कर चल रहा है, तुम्हारी एक्स के साथ क्या था, आने वाली लड़की के, फलाना फलाना चीजें नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो आप लड़ाई झगड़ा करते रह जाओगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, और अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो क्या एक घंटा का रिलेशनशिप है क्या? तो भैया यहां पर ट्रस्ट कर लो। और सेकंड चीज है रिस्पेक्ट। आपको लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो लड़की है, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो लड़की है, लड़की की इज्जत करो, ये वो फलाना वो बात अलग है। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, वो एक अच्छा इंसान है। जेंडर को देख रिस्पेक्ट मत करो, प्यार को देख के करो। अगर वो डिजर्व करता है तो करो, नहीं करता तो मत करो। थर्ड यहां पर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत। आपको बातचीत करते रहना जरूरी है क्योंकि बातचीत ही वो माध्यम है, वो मीडियम है जिससे कोई भी एक रिलेशनशिप आगे बढ़ते रहता है। आप दिन भर में क्या बातें करोगे आपको पता होना चाहिए। बातें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बोरियत भरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लड़की को बोर करोगे तो लड़की कहीं और जाएगी, फिर तुम बोलोगे लड़की धोखा दे रही है, लड़की ये कर रही है, लड़की लेट रिप्लाई कर रही है, सीन करके छोड़ दे रही है। तो मेरे भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है, उसको अच्छी तरह निभाओ और लड़की को बोर मत करो। और आप चाहो तो आप भाई ये भी पूछ सकते हो कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तुमने क्या किया, मूड कैसा है, घर पे कैसे है, घर पे कोई क्या कर रहा है, तुम कहां ये करने वाली हो वो, और या तुम भी क्या करो, ये भी तुम बता सकते हो कि आज मेरा मूड ऐसा है, मैंने ये किया। क्योंकि बातचीत का पता है क्या होता है कि हमेशा कंटीन्यूअसली अच्छी नहीं चलेंगी, इंटरेस्टिंग नहीं चलेंगी, ये कड़ियां होती है, एक सीरीज होता है, चेन होती है, जो कि धीरे धीरे जुड़ती जाती है। फोर्थ है कॉम्प्रोमाइज करो। आपको समझौता करने आना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो थोड़ा तुम झुको, थोड़ा वो झुके, अगर वो गर्म है तो तुम ठंडे रहो, तुम गर्म हो तो वो ठंडा रहे, तो ऐसे ये चीजें चलती रहती है। अगर दोनों ही गर्म हो जाओगे, दोनों ही आग बबूला हो जाओगे तो रिलेशनशिप कहीं का भी नहीं रहेगा। और एक चीज याद रखना कि हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी क्रश है, उसमें वो चीजें ना हो जो कि किसी और लड़की में है, तो क्या तुम्हारे अंदर भी बहुत सी चीजें ऐसी नहीं होंगी जो कि किसी और लड़के में है? तो अगर वो कंपेयर करेगी तो आपको बुरा लगेगा। तो यहां पर होना चाहिए कि आप कंपेयर ना करो, वो जैसी है उसको वैसा ही पसंद करो। एंड एट दी लास्ट 5th पॉइंट है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब आजादी। आजादी क्या है यहां पर? क्या देश की आजादी, देश की लड़ाई, आजादी की लड़ाई, ये सब? हाँ, कुछ ऐसा ही। आपको क्या करना है ना कि लड़की को उसका पर्सनल स्पेस देना है। लड़की से हर बार ये मत पूछोगी तुम क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी, मुझे बताओ, मुझे सब कुछ जानना जरूरी है। अगर लड़की कोई चीज नहीं बताना चाहती तो उसके प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो। भाई देखो, यहाँ पर तुम उसके माँ बाप तो हो नहीं कि हर काम वो तुमसे पूछ के ही करेगी कि मैं ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या। तो मेरे भाई, रिलेशनशिप में आने का मतलब, बॉयफ्रेंड बनने का मतलब ये कतई भी नहीं होता कि वो आपसे हर काम पूछ के करेगी कि मैं ये कर लूं क्या, मैं ना करूं क्या। तो अगर वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहती है, तो उसको करने दो, उसकी लाइफ को एंजॉय करने दो। दैट्स इट। यही होता है एक रिलेशनशिप में। पहली चीज थी ट्रस्ट, दूसरा रिस्पेक्ट, थर्ड है कम्युनिकेशन, फोर्थ है कॉम्प्रोमाइज, एंड फिफ्थ है इंडिपेंडेंस। अगर आप ये 5 चीजें करोगे तो कोई भी लड़की आपको अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। तो मेरे भाई ये चीज करो, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी और अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि मेरा और फायदा हो जाए, मेरे व्यूज बढ़ जाए। और अगर आप खुद भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी आती है, उसको दबाना कतई भी ना भूलना। घंटी दबाने से क्या होता है कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है, तो वही अगेन मेरे व्यूज बढ़ जाएंगे, मेरा भी फायदा, आपका भी फायदा, भाई दोनों तरफ से फायदा है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।